हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं हमारा चैनल रवनी इन्फोटेक। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेडमी नोट 5 का अपडेट इज अवेलेबल। और यहां पर रेडमी नोट 5 के अंदर एक नया अपडेट OTA के अंदर आ चुका है जो कि है 10.0.4.0। ये 10 स्टेबल का दूसरा अपडेट है, इसके पहले 10.0.2.0 का पहला अपडेट आ चुका है। ये है आपका 235 MB का 10.0.4.0 सिस्टम फोन कैमरा के अंदर। यहाँ पर जो बग्स थे सेटिंग्स के अंदर में, उसे यहाँ पर फिक्स किया गया इस नए अपडेट के अंदर। तो क्या क्या नए चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं और ये अपडेट आपको करना चाहिए या फिर नहीं, तो इस वीडियो में आज हम यही बात करने वाले हैं। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यहाँ पर हमारे चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये अपडेट जब मैंने किया तो यहाँ पर लगभग 7 से 8 घंटा मैंने रेगुलर यूज़ किया। फेस अनलॉक बहुत ही इसका फास्ट हो जाता है। जैसा कि आपको पता है कि कोई भी अपडेट के अंदर में आपका जो फेस अनलॉक हो या फिर फिंगरप्रिंट स्कैनर हो, वो थोड़ा सा फास्ट हो जाता है। और यहाँ पर जो बग से उसे यहाँ पर फिक्स करने की कोशिश किया गया है। तो जो मेजर चेंजेस है उसके अंदर एंड्रॉयड का सिक्योरिटी पैच लेवल आपका 2018.11.1 का आपको मतलब देखने को मिल जाता है। नवंबर 1 का सिक्योरिटी पैच लेवल का आपको अपडेट देखने को मिल जाता है, जो कि एक अच्छी बात है। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ नए चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलता है। मतलब बोला जाए तो आपका 10 स्टेबल का जो पहला अपडेट था उसके अंदर थोड़ा सा बैटरी का प्रॉब्लम था और कभी कभी कैमरा सेक्शन के अंदर में कैमरा जो कभी फ्रीज हो जाता था और कभी कभी यहाँ पर प्रॉब्लम होता था। लेकिन इस अपडेट में HDR, पोर्ट्रेट, नॉर्मल शॉट्स, मैंने जो भी शॉट्स लिया 10.0.4.0 से, बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट फोकस करता है, क्लियरिटी भी बहुत बढ़िया है, सेचुरेशन लेवल भी बहुत बढ़िया है फोटो का। तो कोई भी तरह से कहीं भी कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिला। और अभी आपको HD 4K 30 FPS का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है, जैसे कि नोकर सेक्शन से ही आपको देखने को मिलता था रेडमी नोट 5 के अंदर में वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन। फोकस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ठीक ठाक अपडेट है। और जब मैं इसको 1 से 2 दिन यूज़ करूँगा तो मैं इसका फुल रिव्यू दूंगा कि ये अपडेट में इसका बैटरी बैकअप कैसा है, ये अपडेट का प्रॉब्लम क्या है और इस अपडेट में मेजर चेंजेस क्या आता है। तो ये फर्स्ट इम्प्रेशन है, यहाँ पर मुझे ये अपडेट बहुत ही अच्छा लगा। अगर आपको अपडेट करना है तो आप अपडेटर में जाओ, अपडेट कर सकते हो। अगर रिव्यू के लिए वेट करना चाहते हो तो वेट कर सकते हो 1 दिनों का। और उसके बाद यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, अगर आपके OTA में अपडेट नहीं आया है तो आप मैनुअली तरीके से आप अपडेट कर सकते हो 10.0.4.0 से। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि ये दूसरा अपडेट है तो कोई नया फीचर्स इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। पहले ही आपको MIUI 10 स्टेबल आपको देखने को मिला था और यहाँ पर अपडेट में जो मेजर बग्स थे उसे यहाँ पर रियली में फिक्स कर दिया गया। क्योंकि मैंने कैमरा सेक्शन में जाकर देखा, वहाँ पर बहुत बार फ्रीज, बहुत बार क्रैश होता था कैमरा, तो उसे यहाँ पर रियली में फिक्स कर दिया गया है। एंड्रॉयड का सिक्योरिटी लेवल जो है पैच वो बढ़ा दिया गया है। तो जो भी मेजर बग्स थे उसे यहाँ पर इस अपडेट में फिक्स करने का कोशिश किया गया है। ये अलग बात है कि इस अपडेट में कुछ मेजर बग सामने निकल कर आएंगे जो कि आपको अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन 2-3 दिनों के बाद आपको जो मेजर प्रॉब्लम होंगे वो ज़रूर आपको इस अपडेट में देखने को मिल जाएगा। मैं आपको बता दूं कि Redmi Note 5 एक ऐसा हैंडसेट है जिसमें आपको बहुत ही अच्छा कैमरा सेटअप देखने को मिल रहा था, लेकिन 10 स्टेबल आने के बाद कुछ प्रॉब्लम आपको देखने को इसमें मिल जाता है। अभी भी आपको यहाँ पर रियर के अंदर पोर्ट्रेट का सपोर्ट आपको देखने को नहीं मिलता, लेकिन फ्रंट के अंदर में आपको यहाँ पर पोर्ट्रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और काफ़ी अच्छा यहाँ पर पिक्चर डिटेल्स में कैप्चर करता है और बहुत ही अच्छा ब्लर इफेक्ट भी आपको पोर्ट्रेट के अंदर Redmi Note 5 के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। तो उम्मीद है आपको 10.0.4.0 का Redmi Note 5 का अपडेट मिल गया होगा। और अगर मिल गया तो कमेंट जरूर करके आपको ये अपडेट कैसा लगा। बैटरी बैकअप मैंने लगभग यूज़ किया है, ठीक ठाक बैटरी बैकअप है, लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूँ कि मुझे कम से कम 1 दिन और इसे यूज़ करना होगा, तो मैं इसका फुल फीचर्स मेजर बग्स का वीडियो बना दूँ। साथ ही साथ यहाँ पर OTG सपोर्ट करता है, PUBG के अंदर अभी स्मूथ और बैलेंस का सपोर्ट आपको देखने को मिल जाता है, HD का ऑप्शन अभी आपको देखने को नहीं मिलता है। और साथ ही साथ वायरलेस डिस्प्ले का भी ऑप्शन आपको इस अपडेट के अंदर सपोर्ट करता है। साउंड पहले की तरह जैसे कि 10.0.2.0 में था, सेम टू सेम आपको साउंड देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर कोई भी मेजर बग्स मुझे अभी जितना दिन मैं यूज़ किया हूँ मुझे देखने को नहीं मिलता है। रैम मैनेजमेंट भी इस अपडेट का आपको पहले के अपडेट से 10.0.2.0 से अच्छा है, क्योंकि 10.0.2.0 के अंदर में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ था और बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि बैटरी बैकअप जो है पहले से बहुत ही मतलब स्लो हो गया है, आपका डिक्रीज हो गया है। तो उम्मीद है कि आपको ये सारा इन्फॉर्मेशन पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी कमेंट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, नीचे दिए गए इंस्टाग्राम लिंक में फॉलो करके वहाँ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं।
तो फिर मिलते हैं एक वीडियो के साथ, तब तक आप ऐसे देखते हैं मेरा चैनल रवनी इन्फोटेक।